हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आजकल के जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं उनके लिए मैं ये ला रहा हूँ कि वो करीम की पूरी रहनमई हासिल करके अपनी करीम के साथ गाड़ी रजिस्टर करवा के और अर्निंग कमा सकते हैं। आए आपको इस तरफ ले चलते हैं करीम की तरफ कि करीम का पार्टनर कैसे बनते हैं, वो कैसे ड्राइवर को रजिस्टर करवाते हैं, कैसे वेंडर रजिस्टर होता है, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर वे पे। मगर मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन आप ये मालूमात हासिल करने के लिए अपने भी किसी फ्रेंचाइज पे जाएंगे तो आपका माल जान वक्त लगेगा, तब जाके ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपको फ्री में हासिल कर दे रहा हूँ, तो आप फ्री में लेने के लिए सिर्फ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दी। करीम लाहौर पर पार्टनर प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होते हैं, विद वर्क विद करीम एक्सेप्टिंग राइड फ्रॉम कस्टमर ड्राइवर देम टू देयर डेजिग्नेशन अर्निंग मनी, आपको बताना चाह रहा था कि अर्निंग कैसे। देखें, इंडिपेंडेंट कैप्टन कैसे रजिस्टर किया जा सकता है। सबसे पहले गाड़ी, फोन नंबर, लाइसेंस जिस पे गाड़ी चलाना चाह रहा है या वो आपकी गाड़ी होनी चाहिए। और यहाँ मैं एक और चीज बताने जा रहा हूँ कि फोन कौन सा चलेगा, एंड्रॉइड सैमसंग हवावे ये चले, उसके अलावा कोई फोन नहीं। और लाइसेंस कौन ओरिजिनल लाइसेंस है वो उसको फॉलो किया जाएगा। उसके अलावा सप्लाई कार लुकिंग फॉर कैप्टन, अगर वेंडर है तो वेंडर खुद चलाना चाहता है तो वो भी मोस्ट वेलकम। अगर वो अपना ड्राइवर रखना चाहता है उसके लिए तो उसको ड्राइवर कैप्टन की जरूरत होगी, उसको वो भी कैसे रजिस्टर करवाया जा सकता है उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं हम अपने असल काम की। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए रजिस्टर होने के लिए, कहते हैं ब्रिंग रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विद यू टू योर ऑफिस। अब क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे रजिस्टर होते हैं के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। आप देखते जाए अगर इंडिपेंडेंट कैप्टन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर है, ओरिजिनल NIC नंबर होना चाहिए, ओरिजिनल कंप्यूटराइजेशन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइव स्मार्टफोन, जैसे मैंने फोन के बारे में बताया कि एप्पल वाला फोन ही चलेगा, बाद में नहीं कहिएगा हमें नहीं बताया, और आपको फ्रेंचाइज को भी कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको। अच्छा, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर इतना जरूरी नहीं है ये तीन चीजें होनी चाहिए आपका रजिस्टर हो जाएगा। आई सप्लाई के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन बुक होनी चाहिए गाड़ी की, उसके बैंक ऑथोराइज लेटर एंड एक्साइज डॉक्यूमेंट इफ द कार इज लीज। अब सब मिसाल के तौर पर आपको लाजमी नहीं है बैंक की तरफ से आपने लिया तो नहीं, हाँ अगर वो कॉपी दे देते हैं आपको तो मोस्ट वेलकम, आपको ये लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास ओरिजिनल NIC नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, IBAN नंबर वो आपको चाहिए होगा। जी मतलब इतनी सख्त रूल नहीं है जो आप रजिस्टर नहीं हो पाएंगे, बड़े आसान से वो आपके सामने मैंने डिस्कस कर दी। देखिए हम अब रजिस्टर्ड हो गए, अब हमें कार की चाहिए होगी कि हमें कार कौन सी अलाउड की जा सकती है, कि कौन कौन सी कारें हमें बिजनेस के अंदर लग्जरी गाड़ी आ जाती है, आपको बड़ी बड़ी सीढ़ी होंडा बड़ी गाड़ी डिग्गी वाली गाड़ी को कहते हैं वो आती है, वो गाड़ियाँ होनी जिसकी वजह से वो आपको 2014 से 2017 तक की ये गाड़ियाँ आपकी अवेलेबल होंगी। उसके बाद गो में आ जाता है 1995 से लेकर 2013 तक वो भी लग्जरी गाड़ी जो है वो इसमें शामिल की जानी है। उसके बाद गो आ जाती है लोकल एंड इम्पोर्टेड, ये गाड़ी जो आपको पता होगा जैसे मेहरान एंड लोकल गाड़ी है, जैसे वैगनार हो गई, छोटी गाड़ी ऑल्टो गाड़ी हो गई, जैसे मेहरान हो गई, ये चीज़ें आपको CNG अलाउड ओनली फॉर गो, ये आपको अलाउ होगा, ये होंगी 2002 से लेकर 2017 तक, मतलब 2000 वाली गाड़ी चलेगी आपकी बिल्कुल नहीं, मतलब ये कि कम्फर्टेबल होनी चाहिए। एक्सेप्टेड टोटल अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं लाहौर मंथली कार के साथ, डेली अर्निंग जो है ना वो 1000 अगर करते हैं आप, इंडिपेंडेंट हैं तो ये 60,000 तक जा सकते हैं, अगर सप्लायर हैं तो 50,000 तक जा सकते हैं, अगर 2000 डेली कमाते हैं तो 1,00,000 तक जा सकते हैं, और अगर इंडिपेंडेंट सप्लायर है इंडिपेंडेंट आएंगे आपके पास गाड़ी भी है और आप ही खुद ही ड्राइवर हैं इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट, वो 1,00,000 तक जा सकते हैं, अगर आप सप्लायर हैं तो 90,000 तक जा सकते हैं, अगर 3,000 इसी तरह आगे आप देखते जाएं इसी तरह आप कमा सकते हैं, ये आपका पैकेज बन सकता है अगर आप इस तरीके से कमाएंगे।
तो उसके में क्या करना चाह रहा था, कहते हैं नॉट ए डेली अर्निंग द सम ऑफ वर्ड यू गेट ऑन ऑल द राइड्स इन अ डे योर ड्राइवर इंडिपेंडेंट योर ड्राइवर योर कार योर सेल्फ और यू हियर अ कैप्टन टू ड्राइव योर कार। मैंने जो आपको बताया इस तरीके से आप इतनी अर्निंग। हाँ, इसमें आपको क्रीम क्या क्या बोनस देता है उसके बारे में एक छोटी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग क्या होता है, वन कार रजिस्टर्ड कैप्टन रजिस्टर्ड और कैप्टन ट्रेनिंग वेलकम एंड अबाउट, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करता हूँ। डेली बोनस क्या होता है, डेली बोनस कैसे दिया जाता है ये आप लोगों को बताते हैं। 1000 अर्निंग करने पर वेंडर को मिलेगा 200 रुपया, 1000 अर्निंग करने पर वेंडर को मिलेगा 300 रुपया, अगर कैप्टन की कोई इसमें हो गई नहीं 2000 अर्निंग करने पर वेंडर जिसकी गाड़ी है उसको मिलेगा 600 रुपया, 3000 पर उसको मिलेगा 800 रुपया, 4000 पर उसको मिलेगा 1000 रुपया। हाँ, 3000 अर्निंग जिसमें अर्निंग में जो कैश हासिल करेगा, क्रेडिट वाली जो सवारी होगी उसको खत्म निकाल कर वो कैश जो हासिल करेगा उसके ऊपर जो उसको अर्निंग कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा वो वेंडिंग सिस्टम है। उसके बाद अदर बोनस जो वीकली बोनस किसको कहेंगे वो है कैप्टन से 40 राइड करेगा कैप्टन का कोई बोनस नहीं होगा, 2000 वेंडर के होंगे, 70 राइड्स करेगा तो कैप्टन का कोई बोनस नहीं होगा और वेंडर का 3000 होगा, और 90 राइड्स करेगा तो कैप्टन को भी मिलेगा 1000 और वेंडर को भी मिलेगा, मगर मैक्सिमम 4.7 रेटिंग रिक्वायर है, अदरवाइज किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ये मैं बता दूं, न्यू कैप्टन अगर पहली दफा रजिस्टर्ड हुआ अगर कुछ 50 राइड होंगी तो उसको 2000 रुपया पहली दफा उसको दिया जाएगा। हमें बात करते हैं कि एलिजिबल कार, अब कार को कैसे लोग ये मैनेज करते हैं क्रीम वाले, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना चाह रहा था कि कैसे क्रीम इसको मैनेज करती है काम को, जो काम आप चला रहे हैं। आए देखते हैं इसका जो फेयर है, बिजनेस कार का जो फेयर होगा वो 144 रुपये होगा, ठीक है, और जो गो उससे नीचे वाली 95 से लेकर ये उसका फेयर रेट होगा 104 रुपये, और जो गो है बिल्कुल ही ऑटो हो गई मेरा उसका फेयर रेट 60 रुपये। ये रेट आपको दिए जाएंगे, फेयर रेट का मतलब है अभी एंटर हुए थोड़ी देर बाद उतर भी गए तो उसका 144 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे, इसके अलावा वो पे भी नहीं कर सकता। उसके बाद रेट किलोमीटर के हिसाब से वो क्या नाम है दे रहे हैं इसका बिजनेस का 8.8 और गो का 8 और लोकल गो का 7.4 किलोमीटर हिसाब इसके चार्जेस कर रहे हैं किलोमीटर। और इसके साथ एक और मैं आपको बता दूं, कैलकुलेशन करते हैं कि पर मिनट जो करीब पर मिनट गाड़ी चलती है ना, पर अगर आधा घंटा उसकी कैलकुलेशन 2.5 रुपये पर मिनट इसके अंदर एड किए जाते हैं। उसके बाद वेटिंग जो चार्जेस हैं बिजनेस के 288 हैं और गो के 240 हैं और मेहरान या वैगन आर उसके 188 हैं। अच्छा, मिनिमम जो किराया बनेगा इसका 200 रुपया और इसका गो का 144 और इसका 80 रुपये मिनिमम जो है वो बनेंगे। यदि हम आगे चलते हैं, वीडियो मेरी लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, जल्दी से जल्दी इसको वाइंड अप करूंगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया डॉक्यूमेंटेशन के लिए, फोर कार रजिस्ट्रेशन के लिए, ओरिजिनल व्हीकल रजिस्ट्रेशन, वो कार, ये सारी चीज़ें जो मैं ऊपर बता चुका हूँ वही दोबारा लिखी गई हैं, इन चीज़ों को आपने नोट करें। इससे पहले जाते वक्त खुदा हाफिज़ कहता हूँ और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और अल्लाह हाफिज़ आपका अल्लाह।